नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये बगड़ुंदा ग्राम पंचायत का चौरा है, वार्ड नंबर 3। यहाँ पर एकमात्र ये होटल है जहाँ पर लोग बैठते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ में चर्चाएं करते हैं। लोगों ने अंदर ही अंदर चर्चाएं कर रखी है और पिछले कई दिनों से आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। हालांकि खुल के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाऊजी, राम राम। राम राम। तो चुनाव आबा वाला है पाछा, 2 महीना चुनाव का बचिया है। सरपंच को कई सोचो कौन बनेगा? कई खबर आप सरपंच पता नहीं है। आप पिछले 5 साल में जो पंचायत में जो काम हुए उन कामों से संतुष्ट हो? ठीक काम करवाया पंचायत? हाँ ठीक है, कई नहीं है खास। तो कई खास नहीं है? हाँ दीदी ठीक है, ठीक ठीक चल ले रहा। ठीक ठीक चले। हाँ दीदी, पिछली बार पंचायत समिति को चुनाव कौन लड़ी हो? हटे पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य? मैं तो खबर ही नहीं कर दिया। मैं राजेश्वर गांव तो राजेश गांव कैसे कैसे राजेश्वर गांव में आप कैसे कुछ है कहीं नहीं चल नहीं मजाम है। जीरई किस में आता है? जीरई बगड़ुंदा में आती है। तो जीरई गांव नहीं है राजेश्वर गांव? वो नहीं है, छोटा नहीं है। अच्छा, वो छोटा प्रो भी सब एक ही सब है। सब यहाँ पे जितने बैठे हैं सबका 3 नंबर, वार्ड नंबर 3। और वार्ड नंबर 3 की वार्ड पंच नौज की भाई। नौज की भाई, ठीक बात। अभी नौज की भाई कितने टाइम तक और है वार्ड पंच? कतो टाइम और बची रही है? 2 महीने से लिया है। 2 महीने बचे हैं, है ना? 5 साल पूरे होने वाले हैं। 5 साल में आपके इस वार्ड में कितना काम हुआ है? कई कई काम भी कई काम नहीं हुआ। यूँ थोड़े यार नहीं भी यार काम तो यूँ भी नहीं भैया नहीं भैया उन्होंने भी सरपंच को या वार्ड पंच को कुछ तो कहा होगा भाई ये काम कराओ। हाँ सही बात है। तो कई काम बताए होगी आप? कई काम बताया तो हुआ नहीं है। कई बताए आप पहले वो बताओ। काम रोड बतायो, माता जी का रोड बनायो, सब रो सब लिखा पड़ी वही भी हुआ नहीं। काम काम कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा काम काफी पड़ा है लेकिन काम हुआ नहीं। हुआ नहीं है, हुआ नहीं अभी तक नहीं हुआ है हमारे वो मशान घाट। सब लोग क्या सोच रहे हो आगे जो चुनाव आ रहा है? ये क्षेत्र जो है TSP है, हर पंचायत में ST का मतलब आदिवासी समुदाय का ही वो बात बनेगा। मैं समझ गया हूँ। तो अब आप लोग क्या प्लान कर रहे हो आगे का? आगे का प्लान तो अब सोचेंगे। 5 साल के अंदर हमारे यहाँ 3 नंबर वार्ड में कोई नया काम हुआ नहीं अभी तक। अपन गांव की बात करें अगर पूरा गांव की, तो गांव में कुछ विकास काम हुआ? विकास में भी नहीं हुआ है। विकास गांव में थोड़ा बहुत ही हो, ये इस रोड का हुआ, 1-2 पुल बने है खाली, ये इधर स्कूल के आगे वे कई 5 नंबर वार्ड में है, ये इतना 2 काम हुआ है। आप कहाँ के? यहीं के हो? गांव के विकास को लेके क्या बोलोगे आप? 5 साल में कैसा विकास हुआ है आपके गाँव में? कुछ नहीं हुआ सर। आप क्या चाहते हैं, कैसा सरपंच होना चाहिए? सर हमको सरपंच ऐसा होना चाहिए, लोगों का विकास करना चाहिए। तो अब आपने सोचा है इस बार किसको सरपंच बना रहे हैं या कौन बनना चाह रहा है इस बार? सर वो तो बात तो चल रही होगी ना, वो तो सर पूरा गांव की एक है, लेकिन किसी का नाम नहीं आया अभी तक। अभी तो नाम नहीं आया, अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है। सरपंच के चुनाव के साथ साथ में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, ये 2 चुनाव ये भी होते हैं। अब आपका वार्ड कौन सा है? ये वार्ड नंबर 3 नहीं, ये तो पंचायत की तरफ से तो वार्ड नंबर 3 है। हाँ। लेकिन जिला परिषद सदस्य का वो पता नहीं, वो पता नहीं, पता नहीं है, पता नहीं किसी को मालूम नहीं है आपको कि वो जान में नहीं आया सर के। अच्छा, कौन रखा है कौन है? चलो एक बात बताते हैं, जब पिछली बार पंचायती राज चुनाव था, जब इन्होंने चुनाव लड़ा, प्रभु जी ने इन्होंने, है ना, आपके नौज की भाई वार्ड पंच ने चुनाव लड़ा, तब आपने 2 वोट और डाले, याद करो, पंचायत समिति सदस्य का और जिला परिषद सदस्य का। वो वोट किसको डाले आपने? वो बात ही वो दो जने कौन लड़े थे, याद है किसी को? किसको रखा वो भी मालूम नहीं यहाँ पे, किसको रखा है वो इस नाम का वो सदस्य। ये जो गोपीलाल जी है मेनारिया, इनके बेटे की बहू ने जो चुनाव लड़ा था वो कहाँ से लड़ा? वो भी आए क्या वोट मांगने आपके पास? आया गोपीलाल जी?
और उनके परिवार के लोग आए होंगे, तो इसका मतलब वार्ड वही है आपका, वही जीती थी ना यहाँ से जीता। हाँ, लोगों को वो मालूम नहीं है। हाँ, और जिला परिषद सदस्य, और जिला परिषद सदस्य का चुनाव किसने लड़ा था वो भी नहीं मालूम है आपको? कोई पता नहीं है, उसका पता नहीं है। ये जो चुनाव तो आने वाले हैं 2 महीने बाद जी, प्रधान भी बनेगा और जिल्ला प्रमुख भी बनेगा। अभी कौन है प्रधान? अभी तो पुष्कर जी। पुष्कर जी। और जिल्ला प्रमुख? जिल्ला प्रमुख तो मालूम नहीं, जिल्ला प्रमुख जिला प्रमुख ही है, प्रताप जी जिला प्रमुख। प्रताप जी विधायक है, विधायक है। हाँ, जिला प्रमुख कौन है? मेरे को मालूम नहीं, आप बताओ जी, जिला प्रमुख जी कौन है आपके? मैं मालूम नहीं था। आपने मालूम, कहीं नहीं बात, ठीक है। आपने मालूम है? मालूम नहीं। आपको भी मालूम नहीं है। अब बताइए कि आपके इस मोहल्ले में और क्या काम की जरूरत है? अभी तो बहुत अच्छे काम है सर, कई अभी बहुत कटे भी खड़ा निर्माण है, कोई नाली निर्माण है, किसी को आवास योजना है, बहुत सारे काम बाकी है सर। बासा कतरा मकान काचा है, कच्चा मकान कितना है? काचा यहाँ पे तो लमसम में तो देख रहे पका भी सब 100 में से 75 बाकी है। पानी की क्या हालत है यहाँ? पीने का पानी कहाँ मिलता है? पानी की समस्या है, पानी तो कुआ से निकाल के ले आते हैं, एक वहाँ एक नल का कुआ है, बस दूर है यहाँ से। पानी की बहुत समस्या रही इस साल में, तो पानी की समस्या बहुत रही। यहाँ इस पंचायत में बात करें आदिवासी परिवारों की, तो कितने परिवार है पूरे पंचायत में आदिवासी परिवार? वो तो 250-300 परिवार हैं। परिवार हैं 300 परिवारों ने मिलके कोई तय किया है कि इस बार सरपंच किसको बनाना है? वो अभी तक तय नहीं किया। कब तय करेंगे? अब तो कोई ये गांव वाले से बैठे करने के बारे में सोचा भी है कि नहीं है कि भाई ऐसा करना चाहिए? अभी तक नहीं सोचा है, सोचा अभी तक। अब ये बात कर रहे हैं भाई, अब अबर के सरपंच गाँव के विकास बनाने के लिए कोई अच्छा ढंग से देख के बनाएंगे। अच्छा, बात हो रही है। 5 साल में प्रभुलाल जी मेघवाल सरपंच थे, इन्होंने कौन सा ऐसा मोटा काम है जो करवाना चाहिए था पर नहीं कराया? बड़ा काम तो कोई ये सीसी रोड का है, कोई बड़ा काम आया होगा तो गांव को तो कोई सूचना दी नहीं उसने। छोटा मोटा काम हुआ है, ये बात नहीं हुआ, ये रोड का हुआ, पंचायत का एक ने आपरे या तलाई का काम, मंगरा का काम, कोई गांव का लोग ही नाड़ी का काम, छोटा मोटा जाता है कि साहब वो काम कराओ, वो काम कराओ, लेकिन पूरा साल पहले अभी तक हुआ नहीं।